और स्वागत कर रहे हैं आपका इंडिया रिपोर्टर में। और इसके साथ ही बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली में हैं और सीधा आपको लिए चलते हैं प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। भारत में जो भी निर्माण हो रहा है उसमें मेड इन इंडिया की छाप स्पष्ट दिख रही है। ट्रैक बिछाने से लेकर रेलगाड़ियों के आधुनिक इंजन और आधुनिक डिब्बों तक बड़ी मात्रा में उपयोग होने वाला सामान और टेक्नोलॉजी अब भारत की अपनी है। इससे हमारे काम की स्पीड भी बढ़ी है, क्वालिटी भी सुधरी है, लागत भी कमी आई है और ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ती जा रही है। साथियों, पश्चिम बंगाल देश की आत्मनिर्भरता का एक अहम केंद्र रहा है और यहां से नॉर्थ ईस्ट लेकर हमारे पड़ोसी देशों के साथ व्यापार कारोबार की असीम संभावनाएं हैं। इसी को देखते हुए बीते सालों में यहां के रेल नेटवर्क को सशक्त करने का गंभीरता से प्रयास किया जा रहा है। अब जैसे सिवोक रेंको नई लाइन, सिक्किम राज्य को रेल नेटवर्क की सहायता से पहली बार पश्चिम बंगाल के साथ जोड़ने वाली है। कोलकाता से बांग्लादेश के लिए गाड़ियां चल रही है। हाल ही में हल्दीबाड़ी से भारत बांग्लादेश सीमा तक लाइन चालू की गई है। बीते 6 सालों के दौरान पश्चिम बंगाल में अनेकों ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का काम शुरू किया गया है। साथियों, आज जिन 4 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और लोकार्पण हुआ है उससे यहां का रेल नेटवर्क और सशक्त होगा। इस तीसरी लाइन के शुरू होने से खड़गपुर आदित्यपुर खंड में रेल की आवाजाही बहुत ही सुधरेगी और हावड़ा मुंबई रूट पर ट्रेनों में होने वाली देरी कम कर पाएंगे। आजिमगंज से खागड़ाघाट रोड के बीच दोहरी लाइन की सुविधा मिलने से मुर्शिदाबाद जिले के व्यस्त रेल नेटवर्क है उसको भी राहत मिलेगी। पश्चिम बंगाल के हुगली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है बड़े नेताओं का पहुंचना जारी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जाकर एजेंडा सेट करें तो आप समझ लीजिए बीजेपी की तैयारियां क्या हैं। तो इशारा है कि चुनाव से पहले बंगाल में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हुगली में बुआ और भतीजे पर जमकर हमला बोला है। पीएम ने कहा कि पश्चिम बंगाल में किराए पर बिल्डिंग भी लेनी हो तो उसमें भी कट लगता है। ये ऐसे बदमाशी कर रहे हैं कि दोनों तरफ से कट लेते हैं। बिना सिंडिकेट की इजाजत के किराए पर बिल्डिंग भी नहीं ले सकते। इसको खत्म करना है और बंगाल में परिवर्तन लाना है। बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे से, जहां पर उन्होंने तमाम विकास कार्यों में अड़ंगा डालने के लिए ममता बनर्जी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बुआ भतीजे को एक बार फिर से निशाने पर लिया। ममता बनर्जी को बार बार बीजेपी टारगेट कर रही है, कह रही है कि टीएमसी नेता जैसे एक एक करके छोड़ रहे हैं ममता बनर्जी का साथ, चुनाव आते आते अकेली रह जाएंगी। और अब भतीजे अभिषेक बनर्जी का भी जिक्र किया। आपको याद दिला दें कि अभिषेक बनर्जी के घर सीबीआई की टीम पहुंची थी उनकी पत्नी से पूछताछ का समन देने के लिए। माटी मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए हैं। केंद्र सरकार किसानों और गरीबों के हक का पैसा सीधा उनके बैंक खाते में जमा करती है, जबकि बंगाल सरकार की योजनाओं का पैसा टीएमसी के टोलाबाजों की सहमति के बिना गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता। टीएमसी के नेताओं की शान और शौकत बढ़ती जा रही है और सामान्य परिवार गरीब से गरीब होता जा रहा है। भाइयों और बहनों,
बंगाल के लाखों किसान परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा इसी मानसिकता के कारण नहीं मिल पाया है। उनके हक को यहां की सरकार में बैठे हुए लोगों ने छीन लिया है। बंगाल के लाखों गरीब परिवार आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा से आज भी वंचित है। राजनीति है जो देशभक्ति के बजाय वोट बैंक, सबका विकास के बजाय तुष्टीकरण को बल देती है। आज यही राजनीति बंगाल में लोगों को मां दुर्गा की पूजा से रोकती है, उनके विसर्जन से रोकती है। बंगाल के लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए अपनी संस्कृति का अपमान करने वाले ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह का प्रदर्शन बीजेपी ने किया था, उसके बाद बीजेपी को यह एहसास हो गया कि ये वही चांस है, ये वही मौका है जिसमें बीजेपी टीएमसी को बाहर कर सकती है। लिहाजा अमित शाह, जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय के दौरे के बाद अब प्रधानमंत्री ने चोट करनी शुरू कर दी है।